हीटर की कैटेगरी में हमारे पास है ऑयल फिल्ड रेडिएटर, इसलिए जो मॉडल है हमारा हीट स्ट्रोम 9F, जो आपको 24 वॉट की कैटेगरी मिलेगा और 9 फिन्स के साथ मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये जो मॉडल है अभी आप फुल इंस्टॉल कंडीशन में है, तो इसमें ये कस्टर व्हील असेंबली लगी हुई है, आप देख सकते हो फ्रंट एंड बैक में। तो इजी मूवमेंट के लिए आप इसको कहीं पर मूवमेंट करा सकते हो आप। तो मैं इसकी कस्टर व्हील असेंबली कैसे करनी है इसकी एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैं हम इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं, आप यहाँ देख सकते हो ये 24 वॉट की कैटेगरी में है हीट स्ट्रोम 9F। फ्रंट पैनल में आप देख सकते हो थ्री हीट सिलेक्शन कैटेगरी में है, फर्स्ट 800 वॉट कैटेगरी, सेकेंड 1200 वाट कैटेगरी। टोटल आपकी जो कंजप्शन अभी है 800 वाट और 1200 वाट, टोटल 2000 वाट की कंजप्शन हो गई। इसके साथ आपको एक पीटीसी फैन मिलता है, जब इसको आप ऑन करोगे तो ये 400 वाट का पीटीसी फैन है। तो इसके साथ एक बैक साइड में जब इसको ऑन करोगे तो अब यहाँ पे एक वार्म हवा, गर्म गर्म हवा आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप किसी कमरे में आप इसको इंस्टॉल करोगे तो उस केस में आपका ये जो साइड है जहाँ से ये गर्म हवा बाहर आ रही है ये दीवार की साइड में ना हो, ये कमरे का ओपन साइड में होना चाहिए ताकि आपका जो कमरा है वो जल्दी हीटअप हो जाए। तो अभी जो इसकी टोटल कंजप्शन है तीनों पोजीशन ऑन होने के बाद वो 24 वॉट की है। अब आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने वॉट पे, कितनी आपका कमरे का साइज़ क्या है, उसके हिसाब से आप आपके पास हीट सिलेक्शन ऑप्शन है कि आप वन कंडीशन पे भी ऑन रख सकते हैं, सेकंड कंडीशन को ऑफ करके वन कंडीशन पे ऑन रख सकते हैं, या ओनली पीटीसी फैन ऑन रख सकते हैं। तो आपको इस फ्रंट पैनल पे आपको एक नॉब दिख रही होगी जो ये आपका थर्मोस्टेट नॉब है। तो इसमें क्या है कि जब भी हम आपको इसको इंस्टॉल कंडीशन में देंगे, इसमें क्या है कि आप अपने हिट एटमोसफियर टेम्परेचर के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो कि आपको कितनी डिजायर टेम्परेचर चाहिए। तो अभी मैं इंस्टॉल कंडीशन में रख रहा हूँ इसको, और आपको थर्मोस्टेट का ये है कि आप इसको अगर मिनिमम पे रख देते हैं तो ये आपका ऑफ हो जाएगा, मतलब आपका हीटर ऑन काम करना बंद कर देगा। तो आपको इसकी एक मिनिमम पोजीशन है जहाँ पे इसको आप जब आप इसको जिस कंडीशन में आप रखो, इस पोजीशन पे रखोगे आप तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये आपकी ऑन पोजीशन है। इसके बाद आप अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो, यहाँ आपका टेम्परेचर कम मिलेगा, आगे आपको बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। तो हम आपको इंस्टॉल कंडीशन में दे रहे हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो थर्मोस्टेट का, आपको जैसी टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होगी अपने एटमोसफियर के हिसाब से। दूसरा इसमें एक टिल्ट स्विच है, जो वो टिल्ट स्विच का जो वर्क है वो है कि बेसिकली आपका ये जो प्रोडक्ट है ये वर्टिकली पोजिशन में ही काम करेगा। आप इसको अगर वर्टिकली से आप 60 डिग्री एंगल पे या गिर जाता है या एंगल पे आ जाता है तो ये काम करना बंद हो जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे ये काम करता है। ये आपका प्रोडक्ट, अगर मैं इसको 30 डिग्री पे ऐसे 30 डिग्री पे इसको ले जाता हूँ, 60 डिग्री पे ले जाता हूँ, 30 अभी है, अभी ये 60 जा रहा है वर्टिकल से, तो ये देखोगे आप बंद हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे ये कंडीशन है कि अगर आप इसका एक एंगल पे जाने के बाद ये बंद हो जाता है। अब जैसे इसको अपनी पोजीशन में लाएंगे, वर्टिकल की तरफ लाएंगे, ये ऑन हो जाएगा। और जैसे आप इसको ये बिल्कुल अगर गिर जाता है बिल्कुल इस हॉरिजॉन्टल में तो भी ये बंद हो जाएगा, और अगर थोड़ा सा एंगल में रहेगा तो भी बंद हो जाएगा। जो टिल्ट स्विच है इसमें आपका वर्टिकल पोजिशन में रहेगा ये जब प्रोडक्ट तभी ऑन रहेगा, और अगर ये टिल्ट स्विच का यही वर्क है कि आप इसको हॉरिजॉन्टल में ही रख के यूज करना है। अब आप नीचे देख रहे हो कि ये कोड वाइंडर लगा होगा। कोड वाइंडर में क्या है कि अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इसकी कोड को इसमें आप राउंड राउंड करके स्टोरेज के लिए दिया हुआ है, बेसिकली ये स्टोर करके रखना है इसमें। तो अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इसको स्टोर करके इसमें आप रख सकते हैं। अगर आपको यूज करना है तो उस कंडीशन में आपके ये इसमें स्टोरेज के अंदर यहाँ पे मतलब राउंड ये नहीं होना चाहिए इसका, मतलब आप इसको जो इस तरह से आप रख रहे हो ऐसे नहीं रखना है। जब इसको आप मतलब कि यूज में ले रहे हो तो इसमें से आप बिल्कुल ओपन करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारा बेसिकली ओएफआर हीट स्ट्रोम 9F। थैंक यू।